आज की क्लास नंबर 14 योगा एंड मेडिटेशन। टीचर स्टूडेंट के लिए आज की क्लास होने वाली है महत्वपूर्ण एमसीक्यू देखेंगे योग एवं ध्यान। यह क्लास रेगुलर प्राइवेट भोज सभी के लिए होने वाली है। यह क्लास बीए बीएससी बीकॉम एमए एमकॉम सभी देख सकते हैं। आज की क्लास मात्र 10 मिनट की होने वाली है। आइए शुरू करते हैं। और हाँ, आप लोग जानते हैं पेपर ओएमआर शीट में होने, इसलिए एमसीक्यू टाइप पर अपन क्वेश्चन करेंगे। फाउंडेशन की बाकी क्लास यदि आप देखना चाहते हैं तो इसी यूट्यूब चैनल प्रकाश पांडे सपना की प्लेलिस्ट चेक करें, वहाँ पे आपको ढेर सारी क्लासेस मिल जाएंगी सभी सब विषय की। डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें, वहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप है और भी बहुत सारी लिंक है जिन जो आपके लिए उपयोगी हैं। लास्ट क्लास में हमने 199 तक देखा था, उसके आगे क्वेश्चन नंबर 200। प्रारंभ में मयूर सिंहासन को कितने समय के लिए करना चाहिए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह बन जाता है। इंपॉर्टेंट प्रारंभ में मयूरासन को कितने समय के लिए करना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 200 का राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, 10 सेकंड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, गोमुखासन में किस समय व्यक्ति की मुद्रा गाय के समान हो जाती है, 201 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, व्यक्ति के बैठने की स्थिति में। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वासन से क्या प्राप्त होता है, भौतिक श्रम की थकान में आराम, मन के उद्योग की शांति, आप दोनों उपरोक्त में से कोई नहीं, तो 202 का राइट आंसर क्या हो जाएगा सी नंबर, और दोनों, यानी कि भौतिक श्रम की थकान में आराम होता है और मन के उद्योग की है ना उद्योग की शांति होती है। ठीक है, फिर देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, 203 घेरण संहिता में कितनी मुद्राओं को वर्णन है, घेरण संहिता में कितनी मुद्राओं को वर्णन है, 203 का राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा 15 होगा, 65, 25, 22। लाइव चैट में आप लोग जरूर लिखिए, बहुत अच्छे ना। और हाँ, घेरण संहिता में कितनी मुद्राओं का वर्णन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, 25। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आज रैपिड फायर करेंगे, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 204, प्राण ऊर्जा को नियमित रूप से लेकर किसे स्वस्थ बनाया जा सकता है, चेचक को, शरीर को, नेक्स्ट ऑप्शन मन को, धारणा को, इसका राइट आंसर हो जाएगा 204 का बी नंबर, शरीर को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 205, प्राणायाम कब नहीं करना चाहिए, हृदय रोग में, पद्मासन में, घबराहट के समय या कभी नहीं, तो प्राणायाम नहीं करना चाहिए सी नंबर, घबराहट के समय, यदि आपको घबराहट होती है तो प्राणायाम नहीं करना चाहिए। 206, कब प्राणायाम बिल्कुल नहीं करना चाहिए, व्रत के समय, बीमारी के अवस्था में, भोजन के पश्चात, उपर्युक्त सभी में, यानी कि देखो अभी तो यहाँ पे बोला कि प्राणायाम कब नहीं करना चाहिए, तो घबराहट के समय, अब बिल्कुल नहीं करना चाहिए, उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 206 का डी नंबर, यानी कि व्रत के समय भी नहीं करना चाहिए, बीमारी के अवस्था में बिल्कुल नहीं करना चाहिए, भोजन के पश्चात नहीं करना चाहिए, अर्थात उपर्युक्त सभी। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 207, प्राणायाम में श्वसन क्रिया को कितने भागों में विभाजित किया गया है, आ नंबर 6, ब नंबर 4, स नंबर 12, द नंबर 3, 207 का राइट आंसर हो जाएगा ब नंबर, यानी कि प्राणायाम में श्वसन क्रिया को 4 भागों में विभाजित किया गया है। आइए नेक्स्ट, नाड़ी शोधन में किसका स्तर बढ़ाया जाता है, आ नंबर समाधि, ब नंबर धारणा, सी नंबर ध्यान, डी नंबर उपर्युक्त सभी, 208 का राइट आंसर क्या हो जाएगा उपर्युक्त सभी, यानी कि नाड़ी शोधन में
समाधि का स्तर बढ़ाया जाता है, धारणा का स्तर बढ़ाया जाता है, ध्यान का भी बढ़ाया जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हठ प्रदीपिका में वर्णित प्राणायामों की संख्या कितनी है? 8, 12, 15, 9। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 200 का आ नंबर। ठीक है, यानी कि 8। दो सौ दस रेचक या पूरक के बिना किए जाने वाला प्राणायाम का नाम है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 210 का ब नंबर, केवल कुंभक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा हठ सिद्धि का लक्षण है? 211 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, है ना, यानी कि शरीर में लघुता, मुख में प्रसन्नता, नेत्रों में चमक, अर्थात उपर्युक्त सभी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 212। हठ प्रदीपिका में निम्न में से कौन सी धौतिक क्रियाओं का उल्लेख है? मूल शोधन, वस्त्र धौती, वातसार धौती और दंत धौती। तो 212 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप बिल्कुल, आप लोग लाइव चैट में लिखा करिए और डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिए। डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है कि आपका ये जो फाउंडेशन है पेपर कैसे होंगे, कितने घंटे होंगे, कैसे होगा, ए टू जेड पूरी जानकारी दी गई है। ठीक है, और एक वीडियो और नई शिक्षा पद्धति क्या है, उसमें आपका ये जो सिस्टम चल रहा है ना, कितने दीर्घ उत्तरी, कितनी लघु उत्तरी, कितने नंबर के आएंगे, मेजर माइनर इलेक्टिव क्या है, प्रोजेक्ट क्या होता है, प्रैक्टिकल क्या होता है, सीसी क्या होता है, पूरी जानकारी इसमें दी गई है। एक और वीडियो की लिंक है जिसमें सिलेबस बताया गया है। यदि आप लोग अपना सिलेबस डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप लोग अपना सिलेबस डाउनलोड करके पढ़ाई शुरू कर दें। जैसे हर वीडियो में बताता हूँ, इस वीडियो में फिर बता रहा हूँ क्योंकि हर वीडियो में नए लोग जुड़ते हैं। सिलेबस क्या कहलाता है? सिलेबस वह कहलाता है जिसमें आपके बुक में, यानी कि आपका जो भी सब्जेक्ट है उसमें कितनी यूनिट है, उस यूनिट में कितने चैप्टर हैं, उन चैप्टर में क्या क्या टॉपिक है, सब कुछ दिया रहता है। ठीक है, आइए बिना समय गवाए हुए आगे बढ़ते हैं। 213 हठ प्रदीपिका के अनुसार धौतिक कर्म के प्रभाव से कितने प्रकार के कफ दोषों का विनाश होता है? 213 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा 20। ठीक है, 20। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, 214। हठ प्रदीपिका में वस्त्र के कौन से भेद का उल्लेख है? 214 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जलवस्ति, स्थलवस्ति, पवनवस्ति या उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 214 का आ नंबर, जलवस्ति। ठीक है, आइए नेक्स्ट, सूर्य नमस्कार से क्या लाभ होता है? तो पाचन शक्ति ठीक रहती है, स्मृति शक्ति विकास होता है, रक्त संचार सुचारू रूप से होता है या उपर्युक्त सभी। तो 215 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि सूर्य नमस्कार से पाचन शक्ति ठीक रहती है, स्मृति शक्ति का विकास होता है, रक्त संचार सुचारू रूप से होता है, यानी अर्थात उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 216, सूर्य नमस्कार मंत्र कौन सा है? तो इसमें क्या है? ओम मित्राय नमः, ओम खगाय नमः, ओम सूर्याय नमः, ये सभी सूर्य नमस्कार के मंत्र अर्थात उपर्युक्त सभी। अब फिर क्या है, सूर्य नमस्कार मंत्र कौन है? तो सवित्रे नमः, खगाय नमः, फिर मरीचे नमः, उपर्युक्त सभी, ये सभी सूर्य नमस्कार के मंत्र हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 218। नौली क्रिया में प्रयुक्त होने वाले आसन का नाम है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नौकासन, तड़ासन, भुजंगासन या उत्कटासन। उत्कटासन इसका राइट आंसर 218 हो जाएगा। ठीक है, उत्कटासन। 219 नौली क्रिया का प्रमुख लाभ है? पेट की सफाई, पेट को लचीला बनाना, जठराग्नि का तीव्र होना या उपर्युक्त सभी। 219 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट, निम्न में से कौन सी नौली क्रिया के भेद हैं? वाम नौली, दक्षिण नौली,
मध्यनौली उपर्युक्त सभी 220 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। ठीक है, अपन ने 220 तक कवर कर लिया है, टोटल क्वेश्चन हम 250 के आसपास कराएंगे, 250 समथिंग। ठीक है, मुश्किल से कल शायद लास्ट क्लास हो, कल जो क्लास होगी तो थोड़ा हो सकता है खींच भी देंगे, 12-13 मिनट की जो भी होगी उसको कर देंगे, 13-14 मिनट में जितने में ख़त्म हो जाएगा उसको कर देंगे, इतने में ये पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। और डिस्क्रिप्शन आप लोग जरूर चेक करिएगा, वहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप नंबर है, और नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी की पूरी जानकारी की एक वीडियो है, फाउंडेशन क्या होता है उसकी एक वीडियो की लिंक है, सिलेबस की लिंक है, और भी काफ़ी सारी लिंक है, आप लोग जरूर चेक करिएगा। आप लोगों की उपयोगिता को देखते हुए उन वीडियो की लिंक लगाया गया है, आप लोग जरूर देखिए। और यदि आप अपना नंबर मेरे फ़ोन में सेव करवा कर व्हाट्सएप स्टेटस वगैरह देखना चाहते हैं तो आप अपना नाम, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम, जिस भी आप डिस्ट्रिक्ट से हों, यदि आप मध्य प्रदेश में हैं तो मध्य प्रदेश का कौन सा डिस्ट्रिक्ट से आप बात कर रहे हैं, उसके बाद कॉलेज का नाम आप दे सकते हैं, मैं आपका नंबर सेव कर लूँगा। सो थैंक यू, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।